चलिए आज उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों की बुराई किया करते हैं। तो क्या है ना, ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है, क्योंकि लोगों के पास ना बहुत काम है। एटलीस्ट लोगों के बुराई करने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ऐसे लोग, इनको ना एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरों की बुराई करके। तो आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा जरूर होगा, या फिर ऐसे लोगों से रूबरू जरूर हुआ होगा। याद आ रहा है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? आ रहा होगा। अब सबसे पहली बात इन लोगों की ये होती है कि ये जो है सबसे वेल बिहेव्ड इंसान होते हैं, मतलब इनकी जो है सबसे बनती है। और दूसरी बात यह है कि ये आपके सामने दूसरे की बुराई करते हैं और दूसरे के सामने आपकी बुराई करते हैं, और आप इन पे भरोसा जरूर करोगे, क्योंकि इस तरह से वो अपनी बातों को पुट फॉरवर्ड करते हैं कि लोग तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ भी हो। दूसरे के सामने जब आपके बारे में कही हुई बातें आपके कानों तक पहुंचती है, तब आप उस इंसान को पहचान पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बुराई क्यों करते हैं, क्योंकि इनको वो सब चीजें अपनी जिंदगी में चाहिए होता है जो दूसरों के पास है। इनके लिए अपनी खुशी काफी नहीं होता, अपनी खुशी इन्हें रास नहीं आती है, ठीक है। इस बात को सैटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अब क्या है, आज जो चीज कि वो बुराई करते हैं, कल वही चीज जब वो खुद करते हैं तो वो सही होता है, ठीक है, तब वो सही होता है। पर जब दूसरा कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि एक्चुअली में तो उन्हें वो चाहिए है ना अपने पास। पर क्या है ना, कुछ चीज जो है इंसान को पैदाइशी मिलती है और कुछ चीज जो है इंसान को किस्मत से मिलती है ना। तो किस्मत तो वैसे सबकी चमकती है, पर वक्त वक्त की बात है। अब उनका छीना तो नहीं ना जा सकता है ना। तो लोग क्या करते हैं, बुराई करनी शुरू कर देते हैं, और सबके सामने उन इंसानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब है चौथी बात, वो ये है कि जो ऐसे इंसान है वो क्या करते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। क्योंकि आज सपोज वो किसी के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि वो उनके आंखों की धूल जैसे हैं, मतलब इतनी दुश्मनी है सपोज किसी दो इंसानों में और एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, ओके। मतलब ये लोग क्या करते हैं, वक्त वक्त के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए। ये कभी किसी इंसान को अपना दुश्मन बना लेते हैं, ठीक है, कभी आपका इस्तेमाल भी कर लेंगे अपना काम हासिल करने के लिए, और कभी ये किसी इंसान को अपना दोस्त भी बना लेंगे, ठीक है। मतलब आप तो इस बात को सोचकर चौंक जाओगे या हैरान हो जाओगे कि अरे कल ही तो मैंने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, इतना झगड़ रहे हैं, लेकिन आज इनमें आपको इतनी दोस्ती नजर आती है कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि जो पहले था इनके बीच वो सच था, या जो आज है, जो आज मैं देख रही हूँ वो सच है, क्योंकि आप तो एक मेयर ऑब्जर्वर हो। आपको जैसे बताया गया है, जैसे आपका कान भरा गया है, आपने उसे सुना है, ठीक है, क्योंकि
आपके पास तो इन बातों के अलावा भी बहुत काम है। और इतनी बातें सुनने के बाद आई होप कि आप लोगों को किसी का चेहरा तो अपने सामने जरूर दिख रहा होगा। आप अपना खुद का चेहरा तो नहीं देख रहे हो ना? तो मैं माफी चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। पर सच बताऊं तो मुझे तो इन बातों का कोई शौक नहीं है और ना ही वक्त है किसी की बुराई करने की, और करनी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे इंसानों से भैया दूर रहना ही ठीक है। और ऐसे इंसानों को बस एक ही चीज़ बोलना है कि आप हमसे 2 गज की दूरी बनाए रखें, आप भी शांति में रहिए, हमें भी शांति से रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।